हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड कस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की सब्जी, जो कि ठंड में सिंघाड़े मिलते हैं, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब सब्जी होगी फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, तो आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़ों को 3-4 पानी से धुल लिया है। ये 2 दिन पुराने हो गए हैं सिंघाड़े, और मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, और अब मैं जा रही हूँ इसको छीलने। तो चाकू की सहायता से या हाथ से आप इसे जैसे छीलते हैं, इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। आप चाकू से छील लीजिए चाहे हाथ से छील लीजिए। तो इसको हम छील कर फिर आपको दिखाते हैं कि इसके आगे इसका हम क्या प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे सिंघाड़ों को मैंने यहाँ पे छील लिया है, एक पानी से मैंने इसको धुल लिया है। और यहाँ पर मैं इसमें 2 बड़ी प्याज को बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम इनको दोनों को साथ में भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे प्याज को रख दिया है। अब इसमें ही हम प्याज को और सिंघाड़ों को एक साथ हम भूनेंगे, जिससे कि सिंघाड़े हमारे बहुत जल्दी पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सिंघाड़े में हम नमक थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा नमक हम बाद में यूज़ करेंगे, तो बैलेंस आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सिंघाड़ों में नमक डालने से सिंघाड़े जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं और पक जाते हैं, टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर हम सिंघाड़े और प्याज को साथ ही में भूनेंगे, फ्राई करेंगे। इस तरह से एक और फ्रेंड सब्जी जरूर बना के देखिएगा। सिंघाड़े की बहुत ही टेस्टी लगती है। आप रोटी, पूरी, पराठे या चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और सिंघाड़े का मौसम है और सिंघाड़े हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस सब्जी को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, बस जब तक हमारे सिंघाड़े सॉफ्ट ना हो जाए तो इस तरह से अलग से तोड़ते रहिएगा। इसमें कुछ नहीं तो 3-4 मिनट आपके लग जाएंगे इस तरह से। और अब मैं दिखाती हूँ उसकी ग्रेवी क्या बनानी। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है 4, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 गांठ लहसुन के लिए। इन तीनों को हम पेस्ट बना लेते हैं हल्का दरदरा मिक्सर में चला के, और उसके बाद हम ये 2 टमाटर को एक साथ बनाएंगे। टमाटर हम अलग ग्रेवी बनाए पीसेंगे और इन तीनों को अलग पीसेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब इसको हम बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सिंघाड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो नीचे ऑयल बचा है एक्स्ट्रा, उसी में ही हम बनाएंगे, तो अलग से कोई ऑयल नहीं डालेंगे। इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेवी बनाकर उसमें आप दाल को पका दीजिएगा, मगर टमाटर लास्ट में डालिएगा, नहीं टमाटर डालने से सिंघाड़े जल्दी नहीं पकेंगे टाइट टाइट से। तो उस फ्रेंड्स, उसी ऑयल में हम यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच, क्योंकि हमारा तेल तो गर्म है तो यहाँ डायरेक्ट हम डाल देंगे। तेल को लाल, जीरे को लाल होने देंगे। फ्रेंड्स, जीरा तड़कने लगा है, अब यहाँ पर हम 1 पिंच हींग डाल देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाए हैं उसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमें भून लेना है, इस तरह से चलाकर, इस तरह से भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको पता है प्याज हमने पहले फ्राई कर ली है, भून ली है, तो बस इस तरह से इसको चलाकर हमें अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर हमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। एक चम्मच धनिया पाउडर डालना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 चम्मच करीब देगी मिर्च डाल देंगे, जिससे कि कलर हमारी सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने 1/2 चम्मच देगी मिर्च यूज़ की है, और साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम गैस पर। तो फ्रेंड्स, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम ग्रेवी को थोड़ा सा
गाढ़ा बनाने के लिए बेसन डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिंघाड़े भी इससे फ्लेवर गाढ़ी नहीं होंगे। इस तरह से बेसन डालने से ना फिल्म टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से भून लेने हैं कि जैसे कि बेसन का कच्चा पन दूर हो जाए। तो इस तरह से हमें इसको भूनना है, एक मिनट लगेगा। इस तरह से दो फ्लेम पर हमें अच्छे से इसको भून लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो टमाटर को जो पीस कर रखा था उसे डाल देंगे और इन्हें भी साथ में भून लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पे हम नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तेल सही सही से रिलीज कर दिए हैं और बिल्कुल दानेदार से दिख रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमने मसालों को भूना था। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए प्याज और सिंघाड़ों को डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आधा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो खुद गरम मसाला आप डालिएगा, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आधा चम्मच मैंने इसलिए डाला है, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मसाला और सब्जी को हम भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और कोई भी सब्जी आप अच्छे से भून लेंगे इस मसाले के साथ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कच्चापन नहीं रहता और टेस्ट बढ़कर आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 1.5 गिलास पानी डाल लिया है। ग्रेवी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो ग्रेवी वाला बनाएं या सूखा बनाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको लटपटार जो बोलते हैं उस तरह की ग्रेवी बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएं। फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हम सब्जी को पकाएंगे और बीच में एक बार चला लेंगे, तो आप भी जरूर चलाइएगा इसको। पाँच से छः मिनट देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट करीब हो गए हैं, 5 से 6 मिनट हमारी सब्जी को पकते हुए। और हम दिखा दें आपको कि हमारी सब्जी अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए कितनी ठीक हो गई है। बस इसी तरह से हमें रखनी है, क्योंकि आप ये चावल से खाइए, रोटी से खाइए, पूरी से खाइए, जिससे आपको पसंद हो उससे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। हम मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। आधा चम्मच हमने किचन किंग मसाला डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में जब हम बनाते हैं। तो लास्ट में गरम मसाला डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और इसको अब हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे ढक कर के, जो मसाला है हमारा वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट करीब हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो गया है। हमारी सब्जी भी बिल्कुल थिक होकर बनकर रेडी हो गई है, बिल्कुल लटपटार सी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। जो सिंघाड़े की सब्जी जिसे नहीं पसंद होगा सिंघाड़ा, वो भी खाना पसंद करेगा। ये इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है। और कुछ धनिया के पत्ते हम इस पर अच्छे से डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट और बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को एक बाउल में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी थिक और कितनी गर्मा गर्म ये सब्जी टेस्टी सी बनकर रेडी होती है। तो इस सीजन इसे ज़रूर बनाएं। सिंघाड़े की सब्जी और सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।